हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रभु को याद करते हुए आज हम सब मिलकर के मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कर्मों में जो श्रेष्ठतम कर्म, उत्तम कर्म यज्ञ कर्म है, इस यज्ञ कर्म को हम करेंगे। इस यज्ञ को करने के लिए हम पूर्व तैयारी के रूप में हवन कुंड को तैयार करेंगे। सबसे पहले हवन कुंड के तल में थोड़ी सी सामग्री लेकर के तल में रख दीजिए। आपके पास प्लेट के अंदर जड़ी बूटियां रखी हैं, सामग्री रखी है। आप हवन कुंड के तल में थोड़ी सी सामग्री रख दे, उसके बाद उसके ऊपर आपके पास रुई रखी हुई है, बाती दो रुई होगी, एक दीपक के अंदर लगाइए और एक को फैला करके हवन कुंड के बीच में लगा दीजिए। उसके बाद गाय के घी को 2 चम्मच उसके ऊपर डालेंगे और उसके बाद एक कपूर की टिकिया, आपके सबके पास कपूर रखा होगा, उसके ऊपर एक टिकिया कपूर की रख देंगे पाउडर करके। इतना करने के बाद अब आपके पास जो गाय के गोबर की समिधाएं हैं, उन समिधाओं को हवन कुंड का तल की जो साइज है उससे थोड़ी सी बड़ी काटनी, कि आप हवन कुंड के ऐसे अंदर रखेंगे तो नीचे से थोड़ा सा गैप रहे और आमने सामने दोनों ओर छोर में छू जाए। ऐसे इतनी छोटी छोटी 2 समिधा काट करके रखिए, ऐसे खड़ी नीचे हवन कुंड के तल में नहीं छूनी चाहिए, इतना छोर दोनों आमने सामने का होना चाहिए कि आमने सामने दोनों जगह पर छू जाए तो वो नीचे से थोड़ी सी जगा रहे। ऐसे 2 लकड़ी लगा दीजिए और उसको थोड़ा सा गाय का घी लगाइए नीचे तल में। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार की पूर्व तैयारी होगी। आपके हवन कुंड में ऐसे बन गया और गाय का घी देखिए, इसमें जैसे लगाया है ऐसे गाय का घी लगाना है। बीच में थोड़ी रुई रखी, उसके ऊपर थोड़ा घी डाला और थोड़ा सा कपूर डाल दिया। इससे अतिरिक्त अब दूसरी संहिता उससे थोड़ी बड़ी काटेंगे, दूसरी 2 संहिता उससे बड़ी जो हम ऐसे आड़ी रख सकेंगे उसमें, इस प्रकार से। ये देखिए इस प्रकार से संहिताएं हम लगाएंगे तो अभी और इस साइज की 2 संहिता काटिए और उसको भी पतला पतला गाय का घी लगाइए, पूरा चम्मच भर करके उन्हें पतला पतला लगाना है। और ये जो 2 संहिता रखी उसमें से एक वापस ले लेंगे, 3 संहिता अभी हवन कुंड के बीच में है, 2 आटी और उसके ऊपर 1। और इससे अतिरिक्त जो संहिता हमने तैयार की गाय के घी को लगा करके अपनी प्लेट के अंदर, हम 3 संहिताओं को रख लेंगे। 8-8 अंगुल की, ये 4 अंगुल होते हैं, 4-4 8 अंगुल ऐसे, इतनी इतनी 3 संहिताएं गाय के घी से भिगा करके प्लेट के अंदर अलग से रख लीजिए अपने पास। इससे अतिरिक्त एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इतना छोटा टुकड़ा लीजिए 1.5 इंच का, और उसको विशेष रूप से गाय के घी से भिगा करके अपने पास रखिए।
जब हम अग्न्या ध्यान करेंगे हवन कुंड के अंदर, तो जो अग्नि की प्रथम लो बीच में हम अग्न्या ध्यान करेंगे तो प्रथम लो उठेगी, जो नीचे से ऊपर की ओर लो उठती है, और दो समिधा हमने आड़ी रखी, उन आड़ी के ऊपर एक समिधा को ऐसे रखेंगे तो वो नीचे से दीपक की लो सीधी इसको टच हो, जिससे वो अग्नि तुरंत प्रदीप हो जाए। इस प्रकार इस छोटी सी समिधा का हम प्रयोग करेंगे। जब हम अग्न्याधान करेंगे आपको बताएंगे, तब आप पहली समिधा इसी का चयन करेंगे। इससे अतिरिक्त आप सभी के पास में एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी जड़ी बूटियां रख ली है सामग्री थोड़ी सी मात्रा में, और एक छोटे से पात्र के अंदर जो आपके पास छोटी सी एक कटोरी है उसके अंदर जल भर दीजिए। यह आचमन के लिए एक छोटी सी चम्मच भी आपके पास है, चम्मच और एक कटोरी, इसमें थोड़ा जल रख लेंगे। ये आचमन अंग स्पर्श आदि की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए विशेष रूप से हम प्रयोग करेंगे। एक कलश है आपके पास, उसके अंदर पानी रख करके आप की पूर्व दिशा, आप अभी मंदिर आपकी पूर्व दिशा है, क्या है तो हमें ईशान कोण में कलश रखना है। मानी आपका जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आपके सामने का जो छोर है हवन कुंड का, एक आपकी ओर कोना है लेफ्ट हैंड का और एक सामने का छोर, वहां पर रख दीजिए। इससे अतिरिक्त जो दीपक आपके पास रखा है उस दीपक के अंदर बाती लगा करके थोड़ा गाय का घी लगा दिया सबने, दीपक तैयार कर दीजिए। उससे अतिरिक्त दो कपूर की टिकिया अपने पास रखेंगे एक्स्ट्रा, जब हम अग्न्याधान करेंगे तब विशेष रूप से प्रयोग करेंगे। ये जो लंबी दंडी वाली चम्मच है इसको कहते हैं श्रुआ, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, श्रुआ, क्या कहते हैं, हाँ। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है, अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में ऐसे पकड़ते हैं, जब भी हम पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे, प्रथम उंगली सीधी रहेगी, मध्यमा उंगली का जो प्रथम जोड़ होता है उसके ऊपर दंडी रहेगी और लास्ट छोर अंगुष्ठ और प्रथम उंगली के मूल में ऐसे। मंत्र के शुरुआत में जब हम ओम बोलते हैं तब घी लेते हैं, और मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलते हैं तब आहुति देते हैं। इसी प्रकार से जो सामग्री है जड़ी बूटियां हैं उसकी जब हम आहुति देंगे तब आपको बताएंगे। तो राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगूठ, इन तीन उंगलियों के माध्यम से ऐसे सामग्री लेते हैं और स्वाहा के साथ ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देते हैं। ऐसे ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे, ठीक है। तो ऐसे ये यज्ञ के लिए, और एक माचिस आप अपने पास रख लीजिए। अब हम यज्ञ प्रारंभ करेंगे, सभी लोग सीधे बैठ करके सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं, मंगलाचरण। आइए सब लोग सीधे बैठेंगे हाथ जोड़ करके। तीन बार ओमकार का उच्चारण करने के बाद अपने दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में एक चम्मच जल लेंगे। आचमन अंग स्पर्श के लिए पहले हम तीन बार आचमन करेंगे, दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद इस हथेली को नाली नुमा बनाते हुए इस जल का हम पान करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम् स्वाहा। चौथी बार थोड़ा सा जल लेकर के हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को
धो लेंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड में जल लेंगे एक चम्मच, लेफ्ट हैंड में एक चम्मच जल लीजिए, बाएं हाथ की अंजलि में एक चम्मच जल, उसके बाद राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का मंत्रोच्चारण पूर्वक अंग स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाग्म आस्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मोजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वामे सहसंतु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे, सभी अवयवों के ऊपर जल का छिड़काव। उसके पश्चात अब हम सीधे बैठ करके हाथ जोड़ करके परमपिता परमात्मा को प्रभु को याद करते हुए वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा ओम हिरण्यगर्भसमवत्तताग्रे भूतस्य जाता अतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ओम यः आत्मदा बलदायस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूवा य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितैयेन नापः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजा आपदेन त्वदेता जन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्का आमास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं स्या आमपतयोरहीणा ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वाः यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये धामन्नद्यैरयन्त ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विदेम इतीश्वरस्तु दे प्रार्थनोपासना। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के उपरांत अब आपके पास में जो दीपक रखा हुआ है उस दीपक को माचिस के माध्यम से अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे उस उच्चारण के साथ उच्चारण के दौरान हमें दीपक को प्रदीप्त कर देना है। ओम भूर्भुव स्वः दीपक को प्रदीप करने के बाद जो माचिस की तीली है वो स्टील की थाली में डालेंगे, स्टील की थाली है ना उसके अंदर डाल देंगे। अब आपके पास जो श्रू है उस श्रू के अग्र भाग में दो टिकिया कपूर की रखेंगे, कपूर आपके पास रखा हुआ है एक दो टिकिया उसके अग्र भाग में रखिए।
श्रुवा के अग्रभाग में कपूर रखिए, और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे तब दीपक के माध्यम से इस कपूर को हम प्रदीप्त करेंगे, और मंत्र के अंत में हम इसको हवन कुंड के बीच में रखेंगे, अग्न्याधान करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वर्गोरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायाद दे। अब हम समीधा ध्यान करेंगे। दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में इस प्रकार से समीधा को पकड़ लीजिए। एक समीधा एक कुंड के ऊपर, कोई एक व्यक्ति एक समीधा लेंगे, और मंत्रोच्चारण के बाद स्वाहा के साथ इस समीधा का, जैसे हमने पहले चेन किया दो आड़ी रखी थी ना, ऐसे ये अपोजिट दो आड़ी रखेंगे। बीच में तुमने छोटा टुकड़ा रख लिया ना, वो जो सीधे अंदर से उठ रही लो सीधी उसको टच हो रही है ऐसे। ओम समीधाग्निम दुवस्यता कृतेर्वोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याजुहोदना सुसवित्ताय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोदना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। तीसरी समीधा लेंगे। ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो कृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे इदन्न मम। अब हम गाय के घी की 5 आहुतियां प्रदान करेंगे। एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए 5 बार आहुति प्रदान करेंगे। ॐ अयन्तैत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वचेत्तवर्धयचास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तैत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तैत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तैत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ॐ अयन्तैत्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्वचेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी, इन
अमित्र रोगों के संतापों से है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञ अनुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हविर यातु धाना नदी भेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहुत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग दोष ताप संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी। जागो। मेधेष्टि हवन सामग्री विशेष करके ब्राह्मी, शंखपुष्पी, गुड़मार, उस्ते खद्दूस, मालकांगनी, अश्वगंधा, पुष्करमूल, अपामार्ग, जटामासी आदि विशेष जड़ी बूटियों से निर्मित इस मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर सिनेमेल्डिहाइड, प्रोटोनोलेक्टोन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो विशेष करके तनाव, अनिद्रा, सिरदर्द, स्मृति दौर्बल्य, मिर्गी, पागलपन, पैरालिसिस, पार्किंसन आदि मस्तिष्क रोगों में विशेष करके लाभदायी होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।